हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलिए आइए आज क्लास नाइन्थ के मैथमेटिक्स में सीखते हैं हाउ टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी कि हरों का परिमेयकरण कैसे किया जाता है। हाउ टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर मैथमेटिक्स। तो आइए बच्चों, चलिए सीखते हैं हाउ टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी हरों का परिमेयकरण कैसे करते हैं। गौर से देखिए, सीखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दूंगा। उन सवालों को आप बना के मुझे आप व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने मेरा वीडियो देख लिया और होमवर्क भी कर लिया। ठीक बच्चों, आइए देखते हैं। क्लास नाइन, ठीक बच्चों, इसमें सीख रहे हैं हाउ टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, है ना बच्चों। हाउ टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी कि हरों का परिमेयकरण कैसे करते हैं। हरों का परिमेयकरण, डिनोमिनेटर मतलब होता है हर, क्या होता है बच्चों, हर। दो चीज होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर मतलब क्या होता है बच्चों, अंश, और डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है, हर। ठीक है बच्चों, आइए सीखिए। पहले सीखते हैं बच्चों टाइप वन, क्या सीखते हैं टाइप वन। मान लीजिए क्वेश्चन आपका है वन बाय रूट सेवन, तो बच्चों ऊपर वाला को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाला को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये अंश हुआ, ये हर हुआ, तो हम करना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो रेशनलाइज मतलब क्या होता है, रेशनलाइज का मतलब होता है ये जो रूट देख रहे हैं, ये उसे हटाना। तो रूट कैसे हटाएं मुझे देखिए, ये रूट सेवन दिया हुआ है, यहाँ इनटू दीजिए, जो नीचे में लिखा है उसको ऊपर फिर लिखिए, रूट सेवन बाय रूट सेवन लिख दिए बच्चों। आप ध्यान दीजिए, वन को रूट सेवन से इंटू करेंगे तो वन रूट सेवन, या सिर्फ लिख दिया रूट सेवन बन जाए, रूट सेवन हो गया। और रूट सेवन को रूट सेवन से गुना करेंगे, ध्यान दीजिए रूट सेवन इंटू रूट सेवन क्या होता है, रूट 49। अब 49 कितना होता है, इसका रूट 7 होता है। इसलिए आप लोगों ने क्या सीखा कि सेम चीज अगर रूट में रहे और दोनों को गुना करना हो तो क्या होता है, इन दोनों में से ए ओ लिखा जाता है, मतलब रूट सेवन इंटू रूट सेवन तब क्या हो गया, 7 हो गया। तो रूट सेवन इंटू रूट सेवन ऐसा नहीं कि 49 लिखेंगे तब 7, रूट सेवन इंटू रूट सेवन डायरेक्ट 7 लिखेंगे, आंसर आपका हो गया। देखिए रेशनलाइज हो गया, रेशनलाइज हो गया मतलब नीचे का जो रूट था वो हट गया, देखिए रूट हट गया तो डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया, मतलब हर परिमेयकरण हो गया। ये सीख गया बच्चों, आप ध्यान दीजिए। मान लो ऐसे रहता 2√3/√5, क्या था बच्चों 2√3/√5, तो क्या करेंगे हम इसमें, हम देखिए तो 2√3 लिख देंगे, ये √5 लिख दिए, इन टू ये √5 है ना नीचे में, इसी को दो बार लिख देना, √5 और √5, जो नीचे में है उसको आपको दो बार लिख देंगे। ये टाइप वन सिखा रहा है आपको, ध्यान दीजिएगा। ये टू लिखे बच्चों, ध्यान रखिएगा रूट का गुना रूट से ही होगा, ऐसा नहीं कि जिसमें रूट नहीं है उससे भी गुना कर दीजिए, गलती हो जाएगा। ये टू लिख दिए, रूट वाला गुना करना है रूट वाला, तो √3 को √5 से, √15 हो गया बच्चों। सेम नहीं है, अगर दोनों सेम रहता है, यहाँ भी √3 यहाँ भी √3 तो सिर्फ 3 लिखते हैं, यहाँ भी √5 यहाँ भी √5 तो सिर्फ 5 लिखते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग है ऐसे दोनों को हम गुना कर दिए। √5 क्या हो गया बताए थे, सेम चीज रहेगा तो फट जाएगा, 5 ही आंसर हो गया। सीख लिए बच्चों, चलिए ये टाइप वन सीखे आप, समझ गए। चलिए अब टाइप टू सिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। टाइप टू में क्या बच्चों, मान लीजिए क्वेश्चन है 2/3-√2, 2 है और बाय में 3-√2, तो क्या करेंगे बच्चों, 3-√2। अभी जो सीखे थे टाइप वन में, उसमें नीचे में सिर्फ एक ही टर्म था, उसमें प्लस माइनस का चिन्ह नहीं था। जब प्लस माइनस का चिन्ह बीच में आ जाए तो उसका हम रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, देखिए नीचे ये इन दोनों 3 और √2 के बीच में क्या माइनस है, तो इसका अपोजिट चिन्ह देकर ऊपर नीचे लिख देना है। माइनस का अपोजिट चिन्ह क्या होता है, प्लस होता है, तो 3-√2 क्या लिखेंगे, 3+√2, जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे, समझ गए, ध्यान दीजिए। ये 2 लिखिए बच्चों, ये 2 उतार दिए, कितना है 3+√2 उतार दिए। आप देखिए आप पढ़े हैं फॉर्मूला a-b into a+b, पढ़े थे ना, a square minus b square, पढ़े थे कि नहीं,
पढ़े थे क्लास 8 में, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पढ़े थे जान लीजिए a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो तीन को a मानिए रूट टू को b मानिए, तीन को a मानिए रूट टू को b मानिए, तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर, मतलब तीन का स्क्वायर करेंगे तीन का स्क्वायर कितना होगा नौ, तीन को तीन से करेंगे नौ आ जाएगा, बीच में क्या होता है माइनस रूट टू को रूट टू से करेंगे तो सेम चीज को सेम चीज से गुना करेंगे, दोनों में रूट रहे तो रूट हट जाएगा खाली क्या बचेगा दो हो जाएगा, तीन को तीन से किए तो नौ हो गया क्योंकि इन दोनों में रूट नहीं था इसलिए नौ हुआ, और रूट टू क्या होता है टू होता है, ध्यान दें बच्चों टू थ्री प्लस रूट टू और बाय में कितना है नौ चला गया टू कितना हो गया सात, आप चाहे तो तीन दूनी छ और टू रूट टू कर सकते हैं, कोई फायदा नहीं करके इसे कटने वाला है नहीं, आंसर यही मान दी ठीक है। देखिए नीचे में थ्री माइनस रूट टू था, रूट हमको हटाना था लेकिन रूट पूरा पूरा हट गया मतलब रेशनलाइज हो गया, समझ गए बच्चों। चलिए और सीखिए, ये टाइप टू सीख रहे हैं, गौर सीखिएगा ठीक है। अब है तीन नंबर देखिए बच्चों, मान लीजिए क्वेश्चन आएगा थ्री बाय फोर रूट टू प्लस फाइव रूट थ्री, अब बताइएगा नहीं आसान है, थ्री बाय फोर रूट टू प्लस फाइव रूट थ्री क्या करेंगे बच्चों, थ्री बाय तीन लिखना है, पहले क्वेश्चन में जो है उसको उतार लीजिए, इसको उतार लिए बच्चों, अब यहाँ बना देंगे हम यहाँ प्लस है ना, इसी का उल्टा, तो प्लस का उल्टा क्या है प्लस का उल्टा माइनस दे दिए, प्लस था दोनों सेम है माइनस दिए, बाय में फोर रूट टू माइनस फाइव रूट थ्री, चलिए तीन लिखिए बच्चों क्या है ऊपर में, ये तीन लिख लिए ये ऊपर बताइए फोर रूट टू माइनस फाइव रूट थ्री, चलिए नीचे फिर लिखिए a प्लस बी ए माइनस बी, वही फॉर्मूला आ गया a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब हमको स्क्वायर करना है किसका चार रूट टू का स्क्वायर, देखिए करके बताते हैं चार रूट टू चार रूट टू यहाँ भी है और यहाँ भी है दो है ना, तो चार रूट टू का स्क्वायर कर दिए, क्या कर दिए बच्चों चार रूट टू का ए स्क्वायर है पहला वाला का स्क्वायर, तो पहला वाला क्या था फोर रूट टू स्क्वायर कर दिए माइनस बी स्क्वायर मतलब दूसरे वाला का स्क्वायर, क्या दूसरे वाला बच्चों फाइव रूट थ्री का होल स्क्वायर, बस काम तमाम, कितना बच्चों थ्री लिखिए फोर रूट टू माइनस फाइव रूट थ्री बाय चार का स्क्वायर हो गया सोलह, रूट टू का हो गया टू, पांच का स्क्वायर हो गया पच्चीस, रूट थ्री का हो गया तीन, देखिए चार का स्क्वायर चल चले सोलह रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो रूट टू को रूट टू से गुना करेंगे तो चार होगा रूट में उसका कितना होगा दो होगा, या समझावेंगे सेम चीज को सेम चीज से गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा, चार का सोलह हुआ रूट टू का टू हो गया माइनस दिए बच्चों पच्चीस का पांच हो गया रूट थ्री का तीन हो गया, ध्यान दीजिएगा ये तीन फोर रूट टू माइनस फाइव रूट थ्री बाय ऊपर उतार दिए सोलह दूनी कितना हो गया बत्तीस, कितना हो गया बच्चों सोलह दूनी बत्तीस, पच्चीस किया कितना हो गया पचहत्तर ठीक है। अब बच्चों ऊपर वाला मिटाते हैं, बोलिएगा ये कितना है तीन है फोर रूट टू माइनस फाइव रूट थ्री ऊपर उतार दिए बत्तीस में जाकर पचहत्तर छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो क्या होगा माइनस पड़ेगा, पचहत्तर में जाकर बत्तीस पांच में चला गया दो तो तीन हो गया, सात में चला गया तीन तो आपका चार हो गया माइनस फोर्टी थ्री बच्चों ये आपका आंसर हो गया, समझ गए रूट पूरा पूरे हट गया मतलब रेशनलाइज हो गया माइनस फोर्टी थ्री, समझ गए बच्चों ये टाइप आपका टू था। अब टाइप थ्री में घुसते हैं बच्चों, टाइप थ्री कुछ हार्ड नहीं है, टाइप थ्री सब वही है, हम टाइप में बांट दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो ठीक है, ऐसे टाइप टाइप कुछ नहीं होता है, ध्यान दीजिए मान लो बच्चों क्वेश्चन है थ्री माइनस रूट टू और थ्री प्लस रूट टू, मतलब ऊपर वाला भी रूट है नीचे वाला में भी रूट है टेंशन कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिए करना वैसे ही है थ्री माइनस रूट टू थ्री प्लस रूट टू ठीक है बच्चों, यहाँ इंटू दे देंगे नीचे में जो है थ्री माइनस रूट टू है ना तो उसी का अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, देखिए थ्री प्लस रूट टू था क्या किए थ्री माइनस रूट टू थ्री माइनस रूट टू, बीच में प्लस था दोनों बीच में माइनस दिए, समझ गए चलिए आप देखिए, आप देखिए बच्चों थ्री माइनस रूट टू यहाँ भी है थ्री माइनस रूट टू यहाँ पे भी है तो मतलब एक चीज दो बार है मतलब थ्री माइनस रूट टू का क्या हो गया ये होल स्क्वायर हो गया,
अरे भैया x इंटू एक्स क्या लिखते हैं आप, एक्स स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं, तो 3 माइनस रूट 2 3 माइनस रूट 2 दोनों सेम है तो होल स्क्वायर दे दिए। यहाँ पर जो दिया अंक वो सेम है लेकिन चिन्ह अलग अलग, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, समझा भी किए, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब पहले वाला का स्क्वायर माइनस देना है, बी स्क्वायर मतलब सेकंड वाला का स्क्वायर दे दीजिए। आप ध्यान दीजिएगा बच्चों कितना हुआ, आप देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोग कब से पढ़ते आ रहे हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ रहे कि नहीं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या पढ़े थे, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर पढ़े थे बच्चों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बैठाइए क्या है, ए स्क्वायर मतलब आपका हो गया 3 का स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू ए कौन है 3, बी कौन है रूट टू, ए के जगह में 3 बैठा रहे हैं, बी के जगह में रूट टू बैठा रहे हैं, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस क्या होता है बी स्क्वायर मतलब रूट टू का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया, रूट टू का स्क्वायर आपका 2 हो गया, रूट टू का स्क्वायर 4 नहीं कीजिएगा, रूट टू का स्क्वायर 2 हो गया ठीक है, और 4 कीजिएगा तो रूट में 4 कीजिएगा उसका बाहर आ जाएगा 2। यहां तक समझ गए बच्चों, चलिए ध्यान बिठाते हैं, अब ध्यान दीजिए ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर आपका हो गया 9, ये 3 दुनी 6 ये कितना है रूट टू, ऐसे नहीं कर देगा 3 दुनी 6 6 दुनी 12, अरे इसमें रूट नहीं है इसमें रूट है, तो रूट वाला गुना रूट वाला से होगा, बिना रूट से गुना नहीं कर दीजिएगा, 3 दुनी 6 गुना कर दीजिए क्योंकि इन दोनों में रूट नहीं था 6 लिख दिए, रूट टू उतार दिए प्लस रूट टू का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, बताया ना किसी भी रूट का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर तो एक्स होगा, 9 में चला गया 2 क्या बचा 7, अब देखिए यहाँ 9 है यहाँ पर प्लस 2 है, ये 9 और ये प्लस 2 तो 9 और 2 कितना होगा 11, अब माइनस कितना बचा 6√2 बटे कितना है 7। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि 11 में चला गया 6 5 बचेगा, नहीं बचेगा क्योंकि इसके साथ में 6 के साथ में रूट टू है, इसलिए जाति अलग हो गया, ये हो गया बिना रूट वाला जात, ये हो गया रूट वाला जात, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आंसर आपका हो गया, घटे बढ़ेगा नहीं, 11 में 6 नहीं घटा जाएगा, ये मत समझिएगा सर भूल गए हम घटाने के लिए हम घटा देते हैं गलती हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया, समझ गए बच्चों। चलिए एक और सिखाते हैं उसके बाद आप लोग देंगे होमवर्क, उसे बना के मुझे भेजिएगा। क्वेश्चन है बच्चों मान लीजिए 3 माइनस 2√2 3 प्लस 2√2 बटे आपको दिए हम 2 माइनस 3√2 ठीक है, चलिए क्या करेंगे बच्चों सही करेंगे 3 प्लस 2√2 बटे 2 माइनस 3√2 यहाँ बना देंगे, यहाँ माइनस दिया है ना उसी का उल्टा दीजिए 2 माइनस 3√2 यहाँ माइनस था बीच में प्लस दीजिएगा, जो चिन्ह रहेगा सब उल्टा दो बार दे देंगे। आप देखिए बच्चों यहाँ पर अलग है यहाँ पर अलग है, उस इससे ठीक पहले वाला में 3 माइनस √2 × 3 माइनस √2 था तब होल स्क्वायर कर दिए थे, यहाँ तो होल स्क्वायर नहीं हुआ गुना करेंगे, गुना कीजिए 3 दुनी 6 ध्यान दीजिएगा 3 दुनी 3 को 2 से गुना कीजिए 6 हो गया, उसके बाद प्लस दिया बच्चों फिर 3 को 3 से 3 दिया 9 ये कितना है, ध्यान दीजिएगा 3 को 2 से 6 हुआ 3 को 3 से 9 हुआ रूट उतार दिए, फिर प्लस 2 को 2 से माने इसको इससे 2 को 2 से कितना हो गया 4√2 उतार दिए बच्चों प्लस, आप देखिए क्या कीजिएगा अब ये 2 और ये 3 तो 3 दुनी कितना हो गया 6 फिर गुना √2 को √2 से क्या हो जाएगा 2 बटे, फिर से समझाते हैं एक बार 3 को 2 से 6 हो गया 3 को 3 से 9 हो गया √2 उतार दिए 2 को 2 से 4 हो गया √2 उतार दिए, यहाँ भी प्लस 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 से होता है 2 को 3 से 6 हुआ √2 √2 2 हो गया। आप देखिए बच्चे नीचे में a माइनस बी ए प्लस बी, नीचे वाला हमेशा आपका a माइनस बी ए प्लस बी में ही आएगा तो वहाँ कुछ सोचने का काम ही नहीं है, क्या कीजिएगा पहले a स्क्वायर मतलब पहले वाला का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब दूसरे वाला का स्क्वायर ये दे दिए बच्चों ठीक है समझ गए, आप ध्यान दीजिए आप देखिए यहाँ पर 6 दुनी 6 दुनी कितना हो गया 12 हुआ ना 6 दुनी 12 और यहाँ 6 6 दुनी 12 और ये 6 कितना हो गया 18 समझे 18 कैसा आया 6 दुनी 12 और ये 6
6 × 12 और 6 × 18 हो गया। ध्यान दीजिए 9√2 और 4√2, 9√2 और 4√2, 9 × 4 = 13√2, 9 × 4 कितना है बच्चों 13√2 बटे, ध्यान दीजिएगा रूट टू वाला रूट टू साथ में जोड़े हैं, 9√2 और 4√2 कितना हो गया 13√2, कंफ्यूज नहीं होइएगा 13√2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और √2 का स्क्वायर 2 हो गया। ध्यान दीजिए बच्चों, वीडियो रोक रोक के उतार दीजिएगा पहले, आप देखिए 18 + कितना है 13√2, अच्छा 18 13√2 जोड़िएगा नहीं, पहले बोल दिए थे क्योंकि इसमें रूट है तो रूट नहीं है, अब हो गया 4 9 कितना हो गया 18, ध्यान दीजिए बच्चों 18 + 13√2 हुआ, 4 में जाएगा 18 क्या होगा -14, ये बच्चों आपका आंसर हो गया। इस प्रकार बच्चों आप लोगों ने आज हाउ टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर सीख लिया Type 3 तक, Type 4, 5 भी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो बच्चों चलिए होमवर्क देते हैं, इसे लिखिए और इसी के आधार पर आप लोग बनाइएगा, ठीक है। चलिए होमवर्क देते हैं, ये आप लोगों का होमवर्क रहा है HW रेशनलाइज द डिनोमिनेटर क्वेश्चन देखिए बच्चों 4/√3, 7/√2, 8/5√2, 3/5√3, ध्यान दीजिएगा लिखते जाइए, 9/7√2, 11 - √2 बटे 11 + √2, 11 - √3, 11 - √3 बटे 11 + √3, ध्यान दीजिएगा 4 - √2 बटे 4 + √2, 5√3 + 2√2 बटे 5√3 - 2√2 लिखते जाएगा, बदमाश लिख दिया 11√2 - 3√3 बाय 11√2 + 3√3, 3 - 2√2, 3 - 2√2 बटे 4 - 4 + 2√2, ठीक है बच्चों 7 - 4√3 बाय 7 + 4√3, 7 + 4√3 ग्यारह होता है 12 + 5√3, 10 - 3√3। तो बच्चों इतना सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, ये जरूर बनाएगा। एक बात और, जिन्होंने अब तक मेरे चैनल विजय सर देवर को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मुझे इस तरह के वीडियो बनाने में मज़ा आए, आपका भी फ़ायदा हो। तो बच्चों टिल देन गुड बाय बाय।